जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों पिछले एक साल से लगभग आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का रिजल्ट सीआरपीएफ कब तक जारी करने वाला है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीत चुका है। काफी अभ्यर्थी इसी भर्ती के भरोसे बैठे हैं, अच्छे दोस्तों उन्होंने एग्जाम में स्कोर भी किया है, परंतु दोस्तों इस भर्ती में लगातार आपका डिले हो रहा है। सीआरपीएफ कई बार आपके इस भर्ती के रिजल्ट को पोस्टपोन कर चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रिजल्ट आपके चुनाव के बाद आएगा, या दोस्तों चुनाव के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या आपकी फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती को कब तक सीआरपीएफ कंप्लीट करवाने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों एक एक करके पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं इस भर्ती की बात करता हूँ तो इस भर्ती को आए हुए, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में खुद देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो भर्ती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और दोस्तों टेक्निकल की जो भर्ती थी वो दोस्तों 27 मार्च को आई थी। दोस्तों एक साल इस भर्ती को आए हुए बीत चुका है और दोस्तों कितना प्रोसेस इन्होंने फास्ट करवाया कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया उसी दिन है इन्होंने दोस्तों ये भी बता दिया था कि जो आपकी एग्जाम होगी वो जुलाई मंथ में होने वाली है और तय समय पर एग्जाम भी कंडक्ट करवाई, परंतु उसके बाद दोस्तों ये भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। क्योंकि दोस्तों पहले की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती थी वो दोस्तों आपकी है मिशन मोड के तहत कंडक्ट करवाई जा रही थी, परंतु उसके बाद है वो इस भर्ती को आपका एक बार स्टॉपेज सा लगा दिया जब आपकी जीडी 2022-23 वाली भर्ती को सीआरपीएफ ने शुरू किया। तो पहले उसको कंडक्ट करवाया, उसके बाद जितनी भी सीआरपीएफ के पास जो पेंडिंग भर्तियां थी जिसमें हेड कॉन्स्टेबल मनीस्टेल है, अभी जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो फाइनल स्टेज चल रहा है वो भर्ती है, जितने भी सीआरपीएफ के पास भर्तियां थी पहले उनको कंडक्ट करवाया। ये भर्ती काफी बड़ी है तो इस पर जो हजारों अभ्यर्थी है वो निगाहें हैं, वो दोस्तों टिकाए बैठे हैं कि कब हमारा रिजल्ट आ जाएगा और कब हम हैं वो आपकी फिजिकल ट्रेड होगा और उसके बाद हमें सीआरपीएफ की एक वर्दी मिलने वाली है। दोस्तों 1500 पोस्ट की बात नहीं है, वो भी काफी होती है एक बेरोजगार के लिए, परंतु दोस्तों यहाँ 9000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और यहाँ सीआरपीएफ इस भर्ती को ठंडे बस्ते में आपकी डाल चुकी है। परंतु आखिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सीआरपीएफ है वो इस भर्ती का रिजल्ट आपके इलेक्शन के दौरान है वो जारी कर सकती है, क्या इलेक्शन के दौरान आपकी फिजिकल शुरू हो सकते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हाँ है। जी हाँ साथियों, अभी भी आप देख रहे होंगे कि कई सारी भर्तियां हैं जिसमें दोस्तों मैं आपको अभी भी दिखा देता हूं कि यहाँ दोस्तों एसएसबी की मैं बात करूं, एसएसबी आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एक बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है। यहाँ देख सकते हैं कि लगातार दोस्तों है वो जितनी भी इसकी पैरामिलिट्री सॉरी आपकी जो पैरा इसकी भर्तियां हैं वो दोस्तों आपकी कंडक्ट भी करवा रही है और बैक टू बैक इनके एडमिट कार्ड भी जारी कर रही है। तो आपको मैं बता दूं कि रिलेक्शन का कोई भी प्रभाव है इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा। पर दूसरा पहलू यह है क्योंकि दोस्तों इस सीआरपीएफ एक बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है और उसकी तैनाती जहां भी इलेक्शन होगा वहां सबसे ज्यादा तैनाती है वो सीआरपीएफ की होती है, तो क्या उसकी वजह से इस भर्ती को डिले किया जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। यानी दोस्तों आपके सामने एसएससी एक जीडी है जिसमें 26,000 वैकेंसी है, उसको भी कंडक्ट यहाँ दोस्तों कौन करवाएगा, उसके भी दोस्तों कंडक्ट है वो सीआरपीएफ ही आपका हैंडल करती है जिसके सीआरपीएफ के सभी सेंटर में इनके फिजिकल होते हैं। दूसरी तरफ जो सीआरपीएफ की जो अभी भर्ती है लगभग 9000 की मैं बात करूं तो उसके 8 गुना बच्चों को है वो आपके फिजिकल के लिए बुलाया था, उसके लिए एक बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों रिजल्ट में अभी आपको डिले देखने को, थोड़ा सा डिले और देखने को मिलने वाला है। दोस्तों डिले आपको कितना देखने को मिलने वाला है, अभी दोस्तों जो भी आपकी भर्ती चल रही है, अगर दोस्तों आप सीआरपीएफ ड्राइवर की या दोस्तों किसी भी ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ड्राइवर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं परंतु वो इसमें अगर मैं ड्राइवर की बात करूं उनको ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी वो नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों उनको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो दोस्तों हमारे पास सीआरपीएफ ड्राइवर के हैं वो बेस शुरू हो चुके हैं। कम फीस में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे जिसमें हम आपको ट्रेड की तैयारी साथ में हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी और फिजिकल की प्रिपरेशन भी हम आपको साथ करवाने वाले हैं। मेडिकल में भी कोई दिक्कत है वो सारी चीजें हम सॉर्ट आउट है वो यहाँ करने वाले हैं। तो आप है इन नंबरों पर संपर्क करके हमसे बेस संबंधी जानकारी है वो ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हैं,
सभी ट्रेड के दोस्तों हम ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी दोनों करवाते हैं। ऑनलाइन तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके दोस्तों आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में आऊं तो दोस्तों अभी जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है 2020 वाली, वो भर्ती ऑनगोइंग है। उनके जो आरएमई है डी आपका फाइनल स्टेज के अंदर है दोस्तों, रीमेडिकल वगैरह है। और दोस्तों उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। और दोस्तों उनका जो फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है वो दोस्तों आपका कब तक आएगा दोस्तों, वो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल मंथ में आने वाला है। जी हां साथियों, आपको पता है कि दोस्तों यहां मार्च मंथ बीत चुका है, अप्रैल मंथ में आने वाला है। और दोस्तों जो आपका रिजल्ट होगा वो मई 2024 है दोस्तों, लगभग एक मान करें तो दोस्तों एक से सवा महीने के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों मई मंथ में रिजल्ट आने के बाद 4 तारीख को, यानी दोस्तों 4 तारीख तक, 4 जून तक आपके है वो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों जून मंथ आपके जो है पीटी और दोस्तों पीएसटी और दोस्तों ट्रेड टेस्ट है वो सीआरपीएफ की तरफ से कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कहां से पता चली, डिपार्टमेंट से चली। और दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आप भी पता कर सकते हैं, अगर दोस्तों ये आपके पास नंबर है जो रिक्रूटमेंट सेल के नंबर है, इन पर दोस्तों आप खुद से संपर्क कर सकते हैं। प्लस दोस्तों है मैं बता दूं कि जो भर्ती अभी आपके लगभग 9000 भर्तियां पेंडिंग है, उनकी सीआरपीएफ में काफी जरूरत है। और दोस्तों जरूरत है वो आपकी इसीलिए भी है क्योंकि ये भर्तियां इसीलिए निकाली गई थी कि दोस्तों हर डिपार्टमेंट में है जो भर्तियां हैं वो आपकी की जाए, परंतु एसएससी जीडी और इलेक्शन और कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से भर्तियां डिले हुई। परंतु अब दोस्तों डिले नहीं होने वाली है। अब आप में से कई साथी बोलेंगे कि सर बीच में जीडी है तो जीडी का क्या होगा, परंतु मैं बता देना चाहता हूं जीडी इसमें बीच में कुछ भी दिक्कत नहीं करने वाली है। जीडी का जो दोस्तों रिजल्ट है वो अप्रैल मंथ में ही जारी किया जाएगा और इलेक्शन के दौरान ही जीडी का फिजिकल करवाया जाएगा क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है। और दोस्तों इस वैकेंसी की वजह से है वो सरकार चाहती है कि हमें इलेक्शन में फायदा हो, तो दोस्तों इलेक्शन के दौरान ही इसी भर्ती का रिजल्ट आएगा। और दोस्तों साथ में है वो आपके जो सीआरपीएफ है उसका भी रिजल्ट और एसएससीजीडी का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि फिजिकल वगैरह है क्योंकि उनका सिर्फ फिजिकल होना डॉक्यूमेंट और दोस्तों आपका उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो यहाँ दोस्तों अब आपको बहुत एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर है वो आपका रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कि उससे पहले भी रिजल्ट है वो सीआरपीएफ आपका जारी कर दे। ऐसा मत सोचिए कि रिजल्ट 26 आएगा, 27, 28, 29 आएगा। अगर ये दोस्तों 500 वैकेंसी होती तो ऐसा पॉसिबल था क्योंकि 2020 का रिजल्ट 2024 में आ सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर इतनी ही वैकेंसी होती तो रिजल्ट आपका 1, 2, 3, 4 साल फिर से पोस्टपोन हो सकता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट आपका सही समय पर। इस भर्ती को 9000 पोस्ट, एक बड़ी तादाद में पोस्ट होती है, 9000 एक जवान को भर्ती किया जाएगा फोर्स में, सिर्फ एक फोर्स में। तो इस भर्ती को जल्द से जल्द आपका सीआरपीएफ कंडक्ट करवाएगा। तो वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।